नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज फाइनली नंबर आ गया है किचन का, और आज मैं करने वाली हूँ अपना किचन सेट। कुछ ये सामान बंधा हुआ था वैसे तो सारा ही, जब उधर से आया तो वो वाला पार्ट मिस मैं ऐड करना भूल गई। वो मैंने बाद में देखा, फिर मैंने वीडियो एडिट कर दिया था, तब तक मैंने कहा चलो छोड़ दो, जितना है ओके है। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ राशन के डब्बे, और शुरू में जब मैं रखती हूँ तो मैं सोचती कुछ हूँ, बाद में वो होता कुछ और है। तो पहले मैं रख रख के देखती रहती हूँ कि यहाँ पे ये ठीक है। मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि जैसे मैं खाना बनाऊंगी तो मैं कौन सी साइड खड़ी होकर खाना बना रही है, कौन सी साइड रख के कौन सा सामान ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे रखना है या पीछे रखना है या कहाँ पे रखना, कौन सी जगह, तो मैं उस वाली साइड को देख के तब करती हूँ। तो यहाँ पे अभी तो मैंने राशन रख दिया था, डब्बे रख देते, मैंने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी। फिर इस वाली साइड मैं रख रही हूँ और डब्बे, और मैंने कई बार इनको रखा, कई बार उठाया, क्योंकि समझ में नहीं आता। और सामान जब फैला रहता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता। जब मैंने सामान उठाना शुरू किया था ना, तब मैंने ही सोचा था, मैंने कहा ये यहाँ से ऐसे है तो ऐसे के ऐसे इसको वहाँ पे रख दूंगी, इसको ऐसे करूंगी तो ये यहाँ पे हो जाएगा और वहाँ पे। और जब रखना शुरू करते हैं तो दिमाग नहीं काम करता फिर कि कहाँ पे क्या करें। तो अभी भी मैं देख ही रही हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे और थोड़ा थोड़ा रखना शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले तो मैंने इस स्लेब को सोचा है कि मैं खाली कर लूं, और शायद माइक्रोवेव इस बार भी पैकिंग में ही रहे। जब से बेचारा लिया गया है तब से इसको लगाया ही नहीं गया, क्योंकि हमेशा स्लेब किचन भी कई बार बड़े हो जाते हैं, लेकिन इन किचन पे मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं सबका नहीं कहती, कि अगर माइक्रोवेव रख देते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस वो ले लेता है। अगर एक स्लेब एक्स्ट्रा हो या इधर की साइड हो ना, जिधर मैं खड़ी हूँ, थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा बाहर की साइड को हो, तो वो वाली चीज़ भी हो जाती है कि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस। अब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब खाना बनाते हैं ना तो खाना सर्व करते हैं या खाना प्लेटों में लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है स्लेब पे, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे रैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बड़े बर्तनों के लिए, और ना बास्केट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन है और इन्होंने बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, प्लेट, कांच के बर्तन या जो भी है, हर एक के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो मैं उसी में ही रख दे रही हूँ बर्तन, और वही जैसा कि अभी तो भाई देखिए शुरू शुरू में समझ में भी नहीं आता कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या रखूँ। तो फिर भी मैं कहा चलो देखते हैं, करते हैं जो भी है। तो यहाँ पे देखिए बड़े बर्तन भी मैं रखने लगी हूँ, प्लेटें वगैरह रख रही हूँ, और उसके बाद देखती हूँ मैं और क्या क्या करना है। बस ये है कि एक बार लग जाते हैं तो रास्ता सब पा ही जाता है। स्टार्टिंग करते हैं तो फिर थोड़ी सी टेंशन होती है कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। और अभी तो मैं लगा दे रही हूँ बर्तन या सामान, बाकी आप मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि सामान ठीक लगा है या नहीं लगा है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं अपना जो सामान है उसको सेट कर रही, कभी आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया, कभी इधर कभी उधर, कुछ इसी तरीके से मेरा जो काम है वो हो रहा है। तो चलिए फटाफट से बर्तन सेट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या करना है। जी बर्तन मैंने सेट कर दिए, उसके बाद मुझे मसालदानी नजर आई, तो मैंने देखा, मैंने कहा इसको मैं कहाँ रखूंगी, इस वाली साइड तो उल्टा हाथ पड़ जाएगा मेरा। तो फिर मैंने जो राशन के डब्बे हैं वो दूसरी वाली साइड किए, और इस वाली साइड जो वही मैं बता रही थी कि जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस सामान की, वो वाला सामान मैं इस साइड रखूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने राशन के डब्बे उतारने शुरू कर दिए हैं, और
इनको अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। वही है कि अभी तो देखिए जब रहना शुरू करेंगे अच्छी तरह, खाना बनाना, रहना सहन, मतलब रहन सहन अपना पूरा शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जाके बहुत दिन बाद सेटिंग्स ही बन पाती है सामान की। और अब तो इतनी बार घर बदल लिया है कि अब तो आदत सी हो गई है। हालांकि अब स्टार्टिंग में इतनी मुझे दिक्कत नहीं होती थी घर चेंज करते हुए, लेकिन अब तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और इस बार मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है मकान चेंज करते हुए, और इस बार सबसे ज़्यादा टाइम भी मुझे लग रहा है घर को शिफ्ट करने में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इशू कहाँ आ रहा कहाँ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो समस्या हो रही है इस बार। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी कमर के साथ हो रही है, आप देख भी रहे होंगे कि मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा है काम। अब काम करना भी देखिए जरूरी होता है, ये नहीं है कि छोड़ दो, क्योंकि दर्द पीड़ तो शरीर के साथ है, दवाई लेते हैं। मैं दिक्कत यहाँ पे हुई कि मैंने दवाई नहीं ली, मुझे ये था, मैंने कहा चल हो ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी लापरवाही कई बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो खैर देखिए ये एक बास्केट है, ये खाली थी, तो इसमें जो मेरे सैंडविच वेज वगैरह थे, सैंडविच मेकर, और क्या एक और होता है ना वो इंडक्शन, और एक दो चीज़ और मैंने उसमें डाल के रख दी अंदर। मैंने कहा चलो वहाँ पे रख दूंगी जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है मुझे, तो वो रख दी ऐसी जगह कि मतलब ज़रूरत पड़े तो सामने से उठा लूँ। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले किचन कितना भरा हुआ था, और 6-7 मिनट ही हुई है इस वीडियो को शुरू हुए, और 6-7 मिनट में किचन भी जो है वो खाली हो गया। हालांकि जब हम इसको करते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे से तो ज्यादा ही मुझे लग गए थे। और ये तो थोड़ा सामान था जो हम लेके आए थे, सारा सामान तो अभी आया भी नहीं था, उसको भी करना था। तो देखिए सामान लगभग मैंने रख ही दिया है, जो उनसी चीज जहाँ रखनी है बाकी देखती हूँ। और इस बार मैंने किचन से बहुत सारा सामान निकाल दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत ना के बराबर ही होती है या कभी कभार होती है, तो वो सारा सामान मैं रख दूंगी बेड में, क्योंकि मैंने वही सोचा है कि मैंने कहा मैं ज़्यादा सामान नहीं निकाल लूंगी, जरूरत पड़ती है तो निकाल दूंगी, नहीं तो मैं रख दूंगी बाहर अंदर ही, क्योंकि जितना सामान बाहर निकाल लूंगी फिर उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे होती ही नहीं या मैं उन्हें बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ये डब्बे वगैरह मैं इसलिए रख के रखती हूँ, ज़्यादातर मेरे पास कंटेनर भी हैं, क्योंकि जैसा कुछ बनाते हैं तो उन्हें स्टोर करके रखना होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जो सामान था वो मैंने रख दिया है, और कुछ सामान मैंने बेड में से निकाला है, उसको मैं ऊपर जो कपबोर्ड है ये इसमें रख दूंगी ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर वाला एरिया अभी खाली है। और ये जो सामान मैं रख रही हूँ इसको मुझे बाद में यूज करना है, तो इसीलिए मैं इसको सामने ही रख रही थी, मैंने कहा जब मैं बाद में इसे इस्तेमाल करूँ तो ये मुझे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाली था, तो मैंने स्टूल रखा और फटाफट से चढ़ के ऊपर की साइड रख दिया, और वो देखिए अभी सारा ऊपर खाली रखा है। तो मैंने ये सामान, फ्लावर वगैरह थे, स्टैंड थे, पॉट थे, तो वो रख दिए हैं। उसके बाद बारी आ जाती है फ्रिज की, क्योंकि जब से शिफ्टिंग का काम चला था तो फ्रिज की तरफ नजर ही नहीं गई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ अपने फ्रिज की क्लीनिंग, और इसके ये जो उर्जे पुर्जे से हैं इनको मैं निकाल दूंगी। तो फ्रिज को हम लोग किचन में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि किचन में अगर सामने रख देते हैं ना तो किचन का स्पेस कम हो जाता है। इधर वाली साइड किचन में जहाँ ये वॉशिंग सिंक है ना, यहीं पे ही वॉश बेसिन इन्होंने दिया हुआ है, अगर वो वहाँ पे ना होता तो फिर मैं वहाँ पे फ्रिज रख देती, वो एक साइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे सामने ही रखेंगे तो फिर किचन छोटा सा लगता है। तो इसीलिए फिर पीयू के डैडी ने ही बल्कि ये चीज़ बोली कि तो फ्रिज किचन में मत रखना, फ्रिज को एक साइड रखना, क्योंकि काफी सारा स्पेस है तो उधर रख देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह धो दिए हैं अच्छे से, उसके बाद जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैं धो दे रही हूँ, और जो फ्रिज के उर्जे पुर्जे से हैं उनको भी साफ करके अच्छी तरीके से मैं धो के रख दूंगी अब। तो जी देखिए इनको मैंने लगभग धो के रख दिया है जितने भी ये थे, तो पहले मैं इनको धो रही थी, मैंने कहा मुझे फिर बाद में फ्रिज साफ करना था, जब तक फ्रिज साफ होगा तब तक इनका पानी सा निकल जाएगा और ये थोड़ा सूख भी जाएंगे। और इस बार हमने ना किचन में भी पंखा लगवाया है ताकि मतलब जब काम करे तो पंखा चल जाए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप अपने पूरे चरम पे है,
और हो नहीं पाता काम। तो यहाँ पे देखिए वो मैं धो के आ गई थी, उसके बाद मैंने साबुन से और स्क्रब से फ्रिज को किया है अच्छी तरीके से क्लीन, क्योंकि मुझे सही में बताऊँ काफ़ी टाइम हो गया था क्लीन करे हुए फ्रिज को इस तरीके से। वैसे तो था कि गिल्ले कपड़े से साफ कर दे, लेकिन साबुन से अच्छी तरीके से साफ किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई कर देती हूँ मैं इसको साफ। और इधर भी आप देख रहे होंगे कि अभी सामान जो है वो बंधा हुआ रखा है काफ़ी सारा, तो इसको भी देखती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा करके ही मैं अपना लेके भी चल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगी एक ही दिन में, एक दिन में तो बहुत सारा कर लूँगी, फिर अगले दिन नहीं हो पाने का। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने साबुन से साफ़ किया, उसके बाद गीला कपड़ा लिया उससे किया, फिर पानी चेंज करके मैंने एक बार और दोबारा इसमें लगाया, कपड़ा साफ़ किया। चाहती तो मैं इसको धो सकती थी, लेकिन वही है कि मैंने कहा क्यों पानी वेस्ट करना, जितना साफ़ हो जाएगा ऐसे वो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फ्रीजर वाला है, क्योंकि मेरा डबल डोर का है ये फ्रिज, तो ऊपर वाला पोर्शन भी मैं कर रही हूँ। हालांकि इतना यूज तो इसका हम नहीं करते, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो जरूरी है। और चीज़ों का यही है, इन इलेक्ट्रिकल चीज़ों का या कैसी का भी, जितना इनका रख रखाव रखते हैं उतनी ये चलती हैं। और मेरे जैसा प्राणी जिसको कि इनको घुमाने फिराने की बीमारी है, और आपके शब्दों में कहूँ तो शिफ्टिंग की बीमारी है मुझे, या सामान चेंज करने की, तो उस प्राणी के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि वो लंबी चल सके। अपना जो घूमना फिरना सामान का इधर उधर करने का जो शौक है, बीमारी है, वो भी अपनी चलती रहे, और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी ना हो। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने फ्रिज को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, और अब मैं फ्रिज को थोड़ी देर खोल के छोड़ दूंगी ताकि ये अंदर से सूख जाए। और जब तक ये सूखता है तब तक मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और क्योंकि देखिए सामान उठाते हैं तो, और गिर भी गया था क्योंकि ढक्कन खुल गए थे, पीयू के डैडी लेके आए थे राशन ये सारा सामान किचन का, तो पता नहीं इन्होंने कैसे उठाया होगा या कैसे क्या हुआ होगा, तो वो ढक्कन ना खुल गए थे, तो उसके मतलब राशन भी काफ़ी सारा गिर गया था डब्बों में से निकल के, मिक्स हो गया था। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मैंने लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद जो है इसमें फ्रिज में इसके ये उर्जे पुर्जे से मैं लगा दूंगी, और जो इसमें रखने का थोड़ा बहुत सा सामान था वो भी मैं रख दूंगी। सब्जी वगैरह मैंने काफ़ी टाइम पहले लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि शिफ्ट करना है तो ख़राब हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने मंडी से कुछ खास मंगवाया नहीं था। तो फ्रिज हो गया है हमारा, चमक गया है, देखिए धोने के बाद बिल्कुल चमक रहा है। और मेरे फ्रिज को लिए हुए मुझे लगभग तीसरा 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अब मुझे फ्रिज को लिए हुए, अगस्त में जब मैंने फ्रिज और माइक्रोवेव एक साथ लिया था। तो इसके जो ये अंदर के पेपर से थे, वॉलपेपर से क्या हुई है, ये भी मैंने साफ कर दिए थे। तो जी देखिए पूरी मेहनत के बाद आज जो मेरी नई घर की नई रसोई है वो भी सेट हो गई है, तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अपने घर की रसोई का एक मतलब दर्शन करा देती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सेटिंग मैंने की है सामान की वो सही हुई है या नहीं। तो जी किचन हो गया है मेरा सेट, और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा। यहाँ पे तो नीचे ये मिक्सी होगी, और उधर चीनी पत्ती के डब्बे, चम्मच और चाकू वगैरह हो गए, और इस वाले में जो तेल घी है वो, ये घी हो गया, तेल हो गया, और पीछे भी तेल घी के ही डब्बे हैं, वो मैंने इस वाली साइड रख दिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर भी एक दो डब्बे राशन के ही हैं, नीचे मसालेदानी रख दी, और ये अचार, एक दो और सामान रख दिया। अभी तो ये है कि यहाँ पे रख दिया, बाकी जैसे जैसे ज़रूरत होती रहेगी, जैसे जैसे हिसाब बनता रहेगा वैसे मैं कर लूँगी। और इस वाली साइड, इस वाली अलमारी में मैंने रख दिया है राशन, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है राशन सारा। और यहाँ पे इस वाली साइड जो खाली डब्बे हैं राशन के वो, और एक दो और पानी की बोतलें वगैरह रख दिया करूँगी, क्योंकि ये लंबी है इसमें। तो जी ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये हो गए राशन के बड़े डब्बे, आटा चावल, ये हो गया आटा वो चावल हो गए, पीछे शक्कर घी तेल मतलब तेल वगैरह जो है वो, और जो राशन एक्स्ट्रा होता है उस डब्बे में रखती हूँ मैं वो है, और ऊपर उसके थैले में जो है वो रखे मिक्सी के हिस्से बाकी के। तो इस वाले में जो ये कॉर्नर वाला है इसमें रख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तनों को रखने के लिए दी हुई है जगह, तो यहाँ पे ये मैंने भिगोने और बड़े जो बाउल होते हैं वो रख दिए हैं, चाय के भिगोने या छोटे जो भिगोने होते हैं वो। और यहाँ पे नीचे मैंने रख दिए हैं ये प्लेट वगैरह और ढक्कन जो भी हैं वो। इस वाली साइड कढ़ाई कुकर हैं सारे, और ये देखिए ऐसे रख दिए मैंने, परात वगैरह कढ़ाई कुकर जो भी है वो यहीं पर ही आ जाते हैं इस वाली साइड। और ये दोनों एक साथ बंद होती है, एक साथ खुलती है, क्योंकि यहाँ पे ना ये तिरछा है, इधर का पता नहीं इधर का तिरछा है, पता नहीं इधर का तिरछा है। और यहाँ पे आएगा सिलेंडर इस वाले में,
वो पूरी में कर रख दे, उधर वो है डब्बा जिसमें कि मैं खाली लिफाफे रखती हूँ। इधर यहाँ पे गिलास कटोरी रखने के लिए है, यहाँ पे मैंने गिलास रख दी, कटोरी लोटे वगैरह, और जो किचन टावल्स होते हैं वो मैं इसमें रखूँगी। फिर बाद में जो इससे नीचे वाला है इसमें मैं ये कांच के बर्तन रखूँगी अपने, क्योंकि अभी आए नहीं मेरे बर्तन, कुछ उधर ही पड़े तो वो। और सबसे नीचे वाले में जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह है वो, और जो खाली प्लास्टिक की डब्बिया होती है ना स्टोरेज के लिए, वो वाले लंच बॉक्स वगैरह है सारा कुछ, तो ये रख दिया है मैंने यहाँ पे। ये वाली थोड़ी सी टाइट बंद हो रही, पता नहीं क्यों। खैर ये हो जाता है सिंक के नीचे का हिस्सा। अभी यहाँ पे मैंने रखी है ये बास्केट, क्योंकि दोनों खाली हैं अभी तो। और इस वाली साइड मैंने ये एक बड़े वाली बास्केट रख दी है, जिसमें कि एक दो बड़े सामान है, वो मैंने इसमें यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि नीचे स्पेस है काफ़ी। और फ्रिज रखा है हमने उस वाली साइड, क्योंकि अगर किचन में यहाँ पे रख देते ना फ्रिज आगे, तो किचन छोटा सा लगता है फिर, तो इस वजह से। तो जी ये हो गया हमारा किचन सेट, और माइक्रोवेव का पता नहीं मुझे यहाँ पे लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, जो भी होगा जैसा होगा बाद में देखी जाएगी। तो जी बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने आखिर अपना किचन सेट कर लिया, और चूल्हा नहीं आया अभी, गैस सिलेंडर नहीं आया, तो जब वो आ जाएंगे फिर मैं उन्हें रख दूंगी और फटाफट से मैं रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। यहाँ पे चिमनी का स्पेस दिया हुआ है, पर चिमनी नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं। ये एडजस्ट फैन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो लगा हुआ है वहाँ पे ऊपर। और यहाँ पे हमने पंखा भी लगवा दिया था, क्योंकि चले खाना बनाते ही ना सही, लेकिन बाकी काम करते हुए भी हवा तो लगी जाएगी। तो छह खैर चलिए, फ्रिज हमारा ये रखा है यहाँ पे, फ्रिज भी हमारा चकाचक हो गया, अभी खाली पड़ा क्योंकि राशन वगैरह नहीं है कुछ भी। तो खैर चलिए जी, बस फिर अभी आरओ सेट होना रह रहा, आरओ कहाँ लगेगा। मैं तो यहाँ पे सोच रही कि इस वाली साइड, क्योंकि कनेक्शन ही यहीं पे ही है शायद इसका, या गीजर लगवा लो या आरओ, गीजर तो मुझे ज़रूरत नहीं लगवाने की, और ऊपर स्विच हो जाता है, जो भी होगा देखते हैं। यहाँ पे नीचे ये वॉश बेसिन दी हुई है, तो अगर आरओ का पानी भी गिरेगा तो वॉश बेसिन नहीं जाएगा नीचे। चलिए जी खैर, अब इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।